Mi 11X एंड Poco F3 के लिए जो है एवरेस्ट रोम का अभी फ़िलहाल अनऑफिशियल एक बिल्ड आया 1.3 वर्जन के साथ में। लास्ट रिव्यू 1.0 या फिर 1.1 का किया था और इसका जो है ऑफिशियल अगर देखें तो 1.2 तक आया हुआ है, 1.3 जो है अनऑफिशियल आया हुआ है। तो इस अनऑफिशियल वाले का जो है रिव्यू करने जा रहा हूं और देखते हैं उस टाइम से अभी तक में हमें क्या क्या चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अबाउट फ़ोन का जो हेडर इमेज है पहले से थोड़ा सा मोटा हुआ है यहाँ पे, और अंदर भी ये जो है रिडिज़ाइन किया गया, चेंज हुआ है अंदर भी इमेज, और अंदर एंड्रॉयड वर्जन में जाओगे यहाँ पे भी इमेज जो है हेडर इमेज चेंज हुई है। बाकी एवरेस्ट OS 1.3 का जैसे कि ये अनऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड है, सिक्योरिटी पैच जुलाई 2024 के साथ है, कर्नल भी यहाँ पे नो कर्नल जो है अब देखने को मिलता है। बाकी एनिमेशन 60 हर्ट्ज़ के साथ में अगर हम देखें QS पैनल तो स्मूथ रहने वाला है, एनिमेशन अच्छा है इसका, और टाइल्स में भी काफ़ी चेंज उससे हुए हैं, साउंड इंजन हो गया, वेदर हो गया, CPU इन्फो हो गया, तो ये कुछ टाइल्स भी इसके अंदर में न्यू एड किए गए हैं जो कि अभी आपको देखने के यहाँ पर मिल जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग सेम है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से थोड़ा लैग होता है, एंड वॉल्यूम पैनल एक्सपेंड हो जाता है यहाँ पे परसेंटेज के साथ में। ऐप ओपनिंग जो एनिमेशन है ये आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल स्मूथ मिलने वाला है, इसको लेके कोई भी दिक्कत फिलहाल यहाँ पे नहीं है। और अब हम चलते हैं कैमरे की तरफ, तो यहाँ पे कैमरा सेम है जो पहले था लाइका 5.0 वर्जन वाला, आपको वर्जन भी एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि पहले वाला ही कैमरा यहाँ पे है अनऑफिशियल में भी, और जिस कैम इंस्टॉल करके यूज़ कर ही पाओगे। बाकी डॉल्बी एटमोस है, DRM इन्फो के अंदर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, गैलरीज बार दो है, एक नॉर्मल भी है और गूगल फोटो वाली भी। गूगल फोटो में अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा, पहले सिर्फ गूगल फोटो वाली थी। एंड इसके अंदर में यहाँ पे कर्नल SU का भी सपोर्ट मिलता है पहले की तरह। तो ये सारे एप्लीकेशन जो हैं आपको ऐप ड्रॉअर्स में फ़िलहाल मिलते हैं कुछ, और प्ले स्टोर लेकिन इस बार नॉट सर्टिफाइड है जबकि पहले सर्टिफाइड था ऑफिशियल में। तो मे भी आपको यहाँ पे जो इसे सर्टिफाइड कर पाओगे, अगर आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो और आई बटन पे मिल जाएगा वीडियो, तो देख लेना एक बार। वॉलपेपर इन स्टाइल में जाते थे, यहाँ पे होम स्क्रीन में सेम है सेटिंग्स, एंड वॉलपेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। वहीं लॉकस्क्रीन के अंदर आते तो लिप टू चेक फोन का ऑप्शन आपको यहाँ पे न्यू मिल जाएगा, ये पहले नहीं था। और लॉन्चर सेम रहेगा, पिक्सल लॉन्चर ही आता है इसके साथ। और अब कॉलिंग की बात करें तो कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा, वाईफाई कॉलिंग अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग भी वर्किंग है बट अलर्ट कर देता है, और जैसे कि इमोजी का भी यहाँ पे दिया गया तो इसका भी आप यूज़ कर पाओगे। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे ही जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसको लेके कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल यहाँ पे नहीं है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 80% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 94% मिला है, और जैसे कि देखोगे तो बैटरी यूजेस उस टाइम थोड़ा लेट ऐड हुआ था तो डैशबोर्ड का दे दिया। बाकी लास्ट में जो है लास्ट बिल्ड पे सेम यूजर्स पे 93% बैटरी मिला था, तो सिमिलर ही रहने वाला, ज़्यादा फर्क नहीं है। चार्जिंग की बात करें तो 62% चार्ज करने में 1 आवर 15 मिनट के करीब का टाइम लगा है, और बैटरी ड्रेन देखोगे तो 67% नाइट में था, मॉर्निंग में 63, यानी कि करीब 4% के आसपास जो है बैटरी नाइट में ड्रेन हुआ है। एंटूटू स्कोर इस बार 8,39,000 मिला है, लास्ट बिल्ड में 8,41,000 था जो कि बिल्कुल सिमिलर ही है। एंड CPU थ्रोटल की बात करें तो इस बार 94% मिला है, और इसका जिप स्कोर मैक्स में 2,14,000 है, एवरेज स्कोर 2,08,000 है। लास्ट हमारा CPU थ्रोटल जो है 93% था और उसका जो जिप स्कोर था मैक्स पे 2,62,000 था, एवरेज स्कोर में 2,51,000 जो है मिला था। एंड इस बार हमारा गीगबेंच स्कोर जो सिंगल है 1266 है, मल्टी स्कोर 3325 है, लास्ट सिंगल स्कोर 1310 था और मल्टी स्कोर में 3266 जो है मिला था। तो कुछ इस तरीके के जो है स्कोर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अब चलते हैं सेटिंग्स में एवरेस्ट बूट कैंप में, तो यहाँ पे जो है थीम्स रूम्स के अंदर तो ऐसे न्यू फीचर तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी जो है अब पहले जो काफ़ी कम थी अब काफ़ी ज़्यादा हर जगह सेटिंग में आपको कैटेगरी अलग अलग देखने को मिलेगी, और मोनेट बेस्ड जो है कैटेगरी जो कि है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी होता है, देखने को अच्छा लगेगा। एंड स्टेटस बार के अंदर में यहाँ पर भी कैटेगरी अब काफ़ी बन चुकी हैं, यहीं पर आप नीचे आओगे तो ये जो बैकग्राउंड चिप है जो क्लॉक के लिए, ये सिर्फ पहले टॉगल था ऑन ऑफ करने के लिए, अब काफ़ी सारे स्टाइल के साथ में मिलता है। एंड स्टेटस बार पैडिंग भी ऐड कर दिया गया जो कि पहले नहीं था। और क्विक सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे जो है पहले यहीं पे जो है QS स्टाइल भी था जो कि अभी रिमूव कर दिया गया है, और यहाँ पे जो है हेडर इमेज भी पहले उस टाइम पे नहीं था जो कि अभी आपको यहाँ पे हेडर इमेज मिल जाएगा और अच्छे तरीके से यूज़ भी
कर पाओगे। ये जो है चेंजेस यहाँ पे रहने वाले हैं कुछ। और फिर बटन के अंदर जाते हो तो बटन के अंदर हालांकि जो है मेरे हिसाब से सिमिलर है, एक चेंज है यहाँ पे सो वॉल्यूम रॉ परसेंटेज का ऑप्शन न्यू है और बाकी सेटिंग सेम रहने वाली है। जेस्चर में भी अगर हम देखें तो बिल्कुल सिमिलर सेटिंग्स रहने वाली, जेस्चर के अंदर लिप टू चेक फोन बस वही न्यू है, बाकी तो सेटिंग्स आपको यहाँ पे जो है सिमिलर ही रहेगा, यहाँ कोई भी चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलता है। और फिर यहाँ पे हम आते हैं लॉक स्क्रीन की तरफ, तो यहाँ पे भी जो है डेप्थ वॉलपेपर ही है जो कि न्यू है, उस टाइम पे नहीं था, अभी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और फिर नीचे आते हो तो यहाँ पे फिर आपको जो है सिमिलर सेटिंग्स के साथ मिलेगा, मीडिया कवर आर्ट मिल जाता है, और तो यहाँ पे सिमिलर सेटिंग्स पूरी जो है रहने वाली है। एंड नोटिफिकेशन के अंदर हेड्सअप नोटिफिकेशन की सेटिंग्स न्यू है, ये नहीं था उस टाइम पे। और बाकी जो ऑप्शंस फिर आपको मिल रहे हैं अनोइंग नोटिफिकेशन, ये सब जो है पहले के ही हैं, बस कैटेगरी अलग अलग बन चुकी है, पहले साथ में थे। सिस्टम के अंदर आते हो तो यहाँ पे ऊपर तो सिमिलर सा ही है, साउंड इंजन लेकिन यहाँ पे न्यू मिल जाएगा, ये जो है इसका यूज़ आप कर पाओगे। एंड वॉल्यूम साउंड हैप्टिक्स जो है ये भी न्यू है, और बाकी की सेटिंग सेम है। वहीं मिसलिनियस में जाते हैं तो अनलिमिटेड गूगल फोटो का जो है स्टोरेज को ऊपर था, बट अभी स्पूफिंग वाले मिल रहा है। यहीं पे प्ले इंटीग्रिटी फिक्स भी ऐड किया गया है। एंड गूगल फोटो जो देख सकते हो स्पूफ जो है यहाँ पे अनलिमिटेड फोटो के लिए, बाकी स्नैपचैट स्पूफ भी यहाँ पे न्यू ही ऐड किया गया है। एंड अब चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में, तो यहाँ पर जो है हॉटस्पॉट के अंदर में थोड़ा आपको चेंज मिलेगा कि इसके अंदर हिडन नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस वापस ऐड किया गया जो कि उस टाइम पर रिमूव था। और तो बाकी के आपका सेटिंग सेम रहेगा। कनेक्टेड डिवाइसेस में अगर देखें तो सेटिंग सेम है, आप कास्ट यूज़ कर पाओगे। डिस्प्ले के अंदर आते हो तो यहाँ पे रोटेशन मोड्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर में, रिफ्रेश रेट पहले की तरह ही यहाँ पे दिया गया है, और जो हाइड नोच है वो भी रिमूव कर दिया गया था, बट वापस आपको हाइड नोच यहाँ पे मिल जाता है डिस्प्ले कटआउट के अंदर में। और फिर बाकी की सेटिंग्स आपको वही सिमिलर सी रहेगी, थोड़ा इधर उधर सेटिंग्स मूव हुआ है बट सिमिलर ही सेटिंग्स रहेगी। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको जो है हैप्टिक्स मिल जाएंगे सभी जगह के लिए, सिस्टम्स हैप्टिक्स। और यहाँ पे एमआई साउंड भी रिमूव हुआ था जो कि वापस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो एमआई साउंड का भी यूज़ कर पाओगे। और ऐप ड्रॉअर पे डॉल्बी एटमॉस मिलता ही है। एंड वहीं हम चलते हैं ऐप्स की तरफ, तो यहाँ पे भी जो है ऐसा सिमिलर ही रहेगा, असिस्टेंट का यूज़ कर पाओगे, ओके गूगल वर्किंग है, क्लोन्ड ऐप यूज़ कर पाओगे, गेम स्पेस है, और बाकी तो सेटिंग सिमिलर रहेगी। बैटरी के अंदर यहाँ पे जो है थर्मल प्रोफाइल अब आ चुका है, पहले ये सिस्टम के अंदर था बट बैटरी में मूव कर दिया गया है। और यहीं पे जो है अडेप्टिव चार्जिंग का भी ऑप्शन न्यू है, और साथ हेल्दी जो चार्ज का ऑप्शन है ये भी न्यू ऐड हुआ है। लास्ट में ऑप्टिमाइज चार्जिंग ये भी जो है न्यू मिल जाता है। ये कुछ चेंजेस बैटरी में रहेंगे। सिक्योरिटी के अंदर वैसे यहाँ सेटिंग सिमिलर ही रहेगी, एंड जो हमारा फिंगरप्रिंट है और फेस अनलॉक है ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो इसको लेके दिक्कत नहीं है। फिंगरप्रिंट भी और फेस अनलॉक भी दोनों ही अच्छे से काम कर रहा है। एंड यहीं पे नीचे मोर सिक्योरिटी में जाओगे तो ऐप लॉक रिमूव था बट वापस ऐड कर दिया गया, तो ऐप लॉक का यूज़ कर पाओगे। एंड ये रोम वैसे वाइड फोल्ट इनक्रिप्टेड आता है, इसको मैं डिक्रिप्ट किया हूँ। वहीं सिस्टम में जाते हैं तो यहाँ पर सब कुछ सिमिलर रहेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। अब चलते हैं गेम की तरफ, तो यहाँ पे गेम स्पेस की भी जो सेटिंग्स है सिमिलर ही रहेगी, इसके अंदर भी कोई चेंज वैसे देखने को नहीं मिला है, तो पहले वाली सेटिंग्स ही हैं। ग्राफिक में भी स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस अनलॉक रहेगा। अगर बात करें गेमिंग को लेकर के तो गेमिंग परफॉर्मेंस अभी भी आपको यहाँ पे बैलेंस वाली मिलती है, तो गेमिंग में कोई इंप्रूवमेंट या ऐसा फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला, ना ही इसके बैटरी के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है और इसका जो गेमिंग है वो यहाँ पे सिमिलर ही रहेगा, जैसा लास्ट कुछ बिल्ड में थे उसी टाइप से ही है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास फर्क आपको नहीं मिलता। एनिमेशन स्मूथ है 60 हर्ट्ज़ के साथ में, भी मैं कहूँगा कि स्मूथ एनिमेशन आता है इसके साथ, बाकी गेमिंग बैलेंस रहेगी। और जो कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं वही ज़्यादातर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत रीडिज़ाइन किया गया कुछ कुछ जगह, और जो कैटेगरीज जो है पहले के मुकाबले काफ़ी कैटेगरीज बन चुकी हैं, और वो भी जो है हाईलाइट किया गया, कैटेगरीज भी जो बने हुए वो भी मोनेट बेस्ड ही आपको बैकग्राउंड के साथ मिलते हैं। तो ये कुछ चेंजेस जो हैं आपको यहाँ पे मिलते हैं। फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।